एक नाइट में जो मेन आदमी है वो हमारे बिग बॉस वालों का है, तो उससे हमें खुशी होती है। ऑलवेज एक्साइटेड, सुवेद जब कोई जगह खोलता है तो रॉकिंग होती है, और आई थिंक बैरल मैं पहली बार आ रहा हूँ, थैंक गॉड आ रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड सुयास को देखना चाहता हूँ मैं क्या करने वाला है, इसीलिए अंदर जान दो। म्यूज़िक यार, म्यूज़िक की भाषा नहीं होती है, हर टाइप का म्यूज़िक मुझे पसंद है। मेरी बीवी बड़ी पर्टिकुलर है म्यूज़िक की, उसके फ़ोन में जो उसको पसंद है वही डालती है, पर मुझे सारे टाइप के म्यूज़िक पसंद है। आई लव म्यूज़िक, आई थिंक इट्स वंडरफुल थिंग। जैसे आपने कहा कि सुयश भी बिग बॉस वाला है और बिग बॉस जो है शिल्पा जीत चुकी है, क्या मैंने शिल्पा को सपोर्ट किया था बहुत और वो जीत गए, मुझे बड़ी खुशी है। और जब भी कोई बिग बॉस वाला कोई अच्छा काम करता तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब जैसे सुयांश है, ये क्रिकेट तो बहुत अच्छा खेलते थे वहाँ हमारे साथ, वो जो होता था टेनिस बॉल के साथ, लेकिन इतना अच्छा ये गाते हैं आज ये पता चलेगा कितना अच्छा गाते हैं। मैं सुना है बहुत अच्छा गाते हैं। आई थिंक इट्स फन टू वॉच हिम एंड किशोर एंड हिम, दे आर लवली कपल, खुशी है। बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो क्या? बिग बॉस में एक बार जाके जीत के आ गए, जो फिर से बुलाएंगे तो पक्का जाएंगे भाई। बिग बॉस जब भी बुलाते मैं जाता हूँ, विनर्स एपिसोड कर दो। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम लोग जो हमारा बैंड है टीम, यू नो टीम SNS हम लोग हैं। ओके दैट्स सब सर, दैट्स सिद्धार्थ माई पार्टनर, दैट्स विप्लव, दैट्स शुभम, दैट्स वन मोर फ्रेंड ऑफ आवर्स, पार्टनर ऑफ आवर्स शिवम इज नॉट हियर। सो ये पहली फुल अकूस्टिक अनप्लग नाइट है, हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिक गिटार्स ड्रम्स सब लेके बैठते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ अकूस्टिक और यू नो कीबोर्ड्स और उससे प्ले कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज फन टू प्ले इन बॉम्बे यार, अपना क्राउड लगता है, यू नो सब लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं चेयर करने, बिकॉज नॉर्मली हम कहीं और परफॉर्म करें तो उतने फ्रेंड्स नहीं आ पाते, बिकॉज यहाँ पे सारे जो हमारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, इंडस्ट्री वाले फ्रेंड्स हैं, दे कम टू सपोर्ट। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और एक बार बैरल की हमारा पहला परफॉर्मेंस है बैरल पे, एंड वी लॉन्च पेपर वाइया यहाँ पे हमने लॉन्च किया था। सो इट्स बीन अ ग्रेट यू नो। बहुत गाने होने वाले हैं आई थिंक, जिसने हमने इस बार कुछ नहीं सोचा हम लोग क्या गाने वाले हैं। इट्स गोना बी वेरी इम्प्रॉम्प्टू, कभी कोई गाना उसने बोल दिया, एकदम से कोई आ गया तो गा दिया, मन किया कल ही, बिकॉज ये सब लोग न्यू ईयर के लिए घर गए हुए थे, दे जस्ट कम बैक, प्लस मैं शूट्स पे इतना बिजी हूँ अभी भी, मेरे बस पैकअप करके मैं बस यहाँ पहुँचा हूँ किसी तरह। सो सो यस, सुपर एक्साइटेड। अनप्लग्ड, इट विल बी फुल फुल कम्प्लीटली अनप्लग्ड म्यूजिक। नॉर्मली बॉलीवुड जो गाने हम सुनते हैं, अप टेम्पो गाने भी सुनते हैं, सो आई प्रेफर सिंगिंग देम थोड़ा अनप्लग्ड वे में। And I think, in fact, the whole team of SNS, we love the whole unplugged feel of it. So I think that's what we are going to do today. Okay, t-shirt pe bhi kafi alag sa naam dikha hua, iske bare mein bolo. It's Bhannati. It's hum log ka partner aa gaya. Oh, aa mere. That's the name of our band. It's just called Bhannati, and sabke hamare naam alag alag kuch. This is Bhannati is being high on music, being high on anything, in fact, for that matter. So yeah. हम लोग दूसरे तीसरे दिन ही मैं बैठा हुआ था, और उसी दिन ही बात हो गई थी कि जिस दिन अनप्लग नाइट ये शुरू होगा तो दे विल स्टार्ट विद मी, बट लास्ट वीक ऋचा दी और सब लोग करके गए, सो दिस वीक is hamara finally ho raha hai, this week is Suresh bhai, yes exactly, it's happening finally. Kitne memories taza hone wale hain unka, jo beparwa song tha yahan par launch kiya gaya hai jo night mein, kya bhai memories ki to koi baat hi nahi, hum to beparwa ye roz sunte apne club mein, everywhere we go apne ka gana bajta hi rehta hai. Thank you so much. Thank you. The barrel is one of my most favorite place. Main jitni baar bhi bahar nikalta hu weekend pe, agar main yahan nahi aaunga, are hi how are you, जितनी बार भी मैं अगर यहाँ नहीं आता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा वीकेंड पूरा नहीं हुआ है, और ऊपर से आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जो आज परफॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल बनता है दैट यू हैव टू बी एट बैरल, अदरवाइज योर इवनिंग विल नॉट बी कम्प्लीट। आपका ईगरली वेट कर रहे हैं सुयश, और क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब एक्साइटेड है आज की नाइट? सी आई नो मैं बहुत फॉन्ड हूँ जिस तरह का म्यूज़िक सुयश करता है, इट्स वेरी पाकिस्तानी पॉप एंड दैट्स माई फेवरेट जॉनर, सूफी एंड पाकिस्तानी पॉप आर टू ऑफ माई जॉनर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई ऑलवेज एडमायर्ड, आई थिंक इज अ बेटर सिंगर एंड अ बेटर एक्टर, सॉरी मुझे मारना मत पकड़ के, बट आई रियली थिंक इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड द वे ही परफॉर्म्स, इतनी एनर्जी होती है उस जगह के अंदर जहाँ वो परफॉर्म करता है, तो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी पार्ट ऑफ अ म्यूजिकल नाइट जहाँ केवल लाउड म्यूजिक नहीं होता, बहुत मीनिंगफुल, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग गाने बजते हैं तो मुझे मज़ा आता है। राइट,
विकास, इसके अलावा बिग बॉस खत्म हो चुका है, जी हाँ, फाइनली जो है आप बाहर आ चुके हैं और लोग ये भी मान रहे हैं कि आप ही बिग बॉस के विनर हैं, तो कितनी खुशी होती है जब इस तरह के कॉम्पिटिशन। या लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम शिल्पा, शिल्पा आ रही थी, उनको आता नहीं है यूज करना, तो उन्होंने ऑटो ले लिया था और ऑटो वाले ने बोला अरे आप तो मास्टरमाइंड की माँ हैं, एंड देन दे उसको उनको लेके गए हैं, शॉपिंग कराई है, तीन ऑटो वालों ने सिक्योरिटी की तरह वापस घर ड्रॉप किया और पैसे भी नहीं लिए। तो मतलब इस तरह का आपको फ्रॉम नॉर्मल प्लेसेस जो प्यार मिल रहा है वो इतना ब्यूटीफुल है दैट इट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट ये सीज़न अब तक के हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल सीज़न गया है और हर एक कंटेस्टेंट, हर एक घर वाले को बहुत बहुत मोहब्बत मिल रही है, सो आई थिंक दैट्स रियली रियली कूल। इसके अलावा बिग बॉस आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि जो है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है आपके साथ, लेकिन आपकी छवि जो है लोगों की नज़र में अभी जो है एकदम साफ है, तो आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट है बिग बॉस? यू नो मैंने बिग बॉस किया ही इसीलिए था। क्या होता है ना कि whenever there is a controversy, कुछ और लोग आपको जानते नहीं हैं, लोग उनको जानते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं। तो मेरा एक रीज़न था बिग बॉस करने का, ताकि लोग जान सके, अर्शी की आवाम जान सके, बाकी लोग, इंडिया के लोग जान सके कि मैं इंसान कैसा हूँ, और वो 3.5 महीने में कोई फेक नहीं कर सकता अपने आप को। सो जैसा भी हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं, गलतियाँ भी हैं, और मेरे अंदर गुस्सा भी है, पर मेरे अंदर अच्छाई भी है, तो आई थिंक जैसा भी हूँ मैं बिल्कुल सबके सामने हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम, एंड आई एम ग्लैड लोगों को पता चल रहा है किस तरह का इंसान मैं हूँ, तो वो जो प्यार मुझे मिल रहा है उसकी वजह से आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। हीना जो है हार को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक वो सही हो जाएगी, वो बड़ी कंपेटिटिव टाइप की है ना, तो हीना का क्या है कि वो इतनी कंपटीशन में इतनी ज़्यादा घुस जाती है कि उसको जीतना ही होता है, वो जीतती नहीं है तो उसके बाद थोड़ा एक दो दिन होता है लड़कियों का, अब तो हमने सीखा ही सलमान से लड़कियों का मूड पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब आई थिंक वो सही है, अब आज उसका मैसेज आया था, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम श्योर वो अभी वापस अपीयरेंस करेगी और बहुत ही रॉकिंगली वापस कुछ और नया कॉम्पिटिशन लेके बहुत सुपरबली करेगी। बिकॉज इसके अलावा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है एज ए एक्टर भी आएंगे, तो क्या ये होने वाला है आपका? वो मुझे नहीं लगता, एज एन एक्टर तो मैं नहीं कर पाऊंगा टेलीविजन और डेली सोप्स, बिकॉज नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स सुपर्ब, आई जस्ट थिंक कि मेरा पैशन राइटिंग में है और मेरा पैशन डायरेक्शन में है, और प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैं मेरे को आई डोंट थिंक इतना टाइम मिलेगा, बट हाँ आई माइट बी होस्टिंग समथिंग एंड आई माइट डू अ वेब सीरीज, बट टेलीविजन शो ऑन अ लॉन्ग रनिंग शो वो नहीं हो पाएगा मेरे से, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैं 100% कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता रहूँगा, ताकि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेल्फिश बिकॉज मुझे जो प्यार मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज मैंने कैमरा फेस किया था, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो कंटिन्यू करूँ किसी ना किसी फॉर्म में, बिकॉज आई लव द लव आई एम गेटिंग, आई जस्ट लव द लव आई एम गेटिंग। सलमान सर मेरे साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं बनाऊंगा, लेकिन आई डोंट थिंक अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं सलमान सर के साथ फिल्म बना सकता हूँ, लेकिन ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सलमान सर हो जाएं या किसी भी ऐसे अच्छे एक्टर के साथ काम कर पाऊँ, पर उसके लिए पहले मैं अपने को प्रूफ तो कर लूँ एज अ डायरेक्टर, लेट मी मेक अ स्मॉलर फिल्म, मेक इट अ हिट, एंड देन आई एम श्योर कि वो भी मेरे साथ काम करेंगे। शिल्पा के साथ कोई एक प्रोजेक्ट बनेगा, लिखा जा रहा है, अगर वो उनको पसंद आया और मुझे पसंद आया तो हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। आई थिंक शिल बी रॉकिंग यार, अगर वो वहाँ जाती है तो, एक तो उसका फुल इतना बेस अच्छा है इन महाराष्ट्र एंड पीपल लव हर, सो अगर वो जाती है तो मैं रूट कर रहूँगा उसके लिए, वोट्स मांग रहूँगा, वोट फॉर शिल्पा अगर वो जाती है मराठी बिग बॉस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। अब आदत हो गई है मुझे, क्या बोलूँ मैं, आई थिंक यू शुड सिंग दैट एंड सिंग। आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, लिटरली ऐसे जीने में मुझे आदत हो गई है, बिकॉज वो पूरा दिन घर पे भी गाना गाता है, घर में स्टूडियो है तो वहाँ पे सिर्फ गाने बनते हैं, गाने फ्रेशली ऐसे बनकर बाहर आते हैं। हाँ हाँ लिटरली पहले ऑडियंस यही है, या मुझे लिटरली रूम से आवाज़ आती है कि बेबी ये गाना सुन के पता कैसा है, हमने हाँ सुनाई दे रहा था तब से, यू नो, सो आई नो कि इट्स अ नाइस सॉन्ग, इट्स फाइन, तो बट या आई एम वेरी हैप्पी दैट ही so passionate about music and he's doing well for himself now, and touch wood, I really hope it goes on like this, so very happy for him. Kishore, iske alawa jo Vikas aapke acche dost jo abhi aapko mile Bigg Boss mein jo hai unhone apna ek khud ka muqam banaya, log ye bhi keh rahe hain ki Vikas hi winner hai, kya kehenge is bare mein, kitna proud feel kar rahe hain? Well, very proud of him because I really think that he did very well in the house, he was literally the mastermind, तो और बहुत अच्छा खेले, बहुत डिग्निफाइड तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने गेम को खेला,
and you know, whatever I saw, like his journey was fabulous. So I think really that he's done a very, very good job. Shilpa winner hai, kya kahenge, kya reaction hai aapka? I think वो तो हम like kind of had assumed ना from the ये देखता भी नहीं था फिर भी इसने बोल दिया था कि शिल्पा शिंदे जीतेगी so हमने kind of assume कर लिया था from the first episode but then later we thought कि नहीं यार you know विकास के chances हैं पुनीश भी काफ़ी हद तक थोड़ा अच्छा हो गया था तो ऐसा लगने लगा था कि शायद you know कोई और भी जीत सकता है because they really were all out man ke on twitter also yahan wahan har jagah wo log sab lage hue the to vote for her so aur which ishwar ne sare votes gine bhi the ha isko ekdam andaaz hai ki kitne votes aaye the hai na aap dono kitna interested the big boss mein kaun sa secret contestant aur finally shilpa jeet gayi hai honestly maine dekha nahi pura season but then mere sath jo pata jitna bhi jab bhi hum log साथ में रहते थे तो सबसे पहले इसका वो था कि आज बिग बॉस में ये हुआ है वो है समहाउ आई न्यू कि क्या चल रहा है अंदर आई गेस हर फेवरेट इज गोइंग टू बी माय फेवरेट बिकॉज़ उसकी तरफ से मुझे स्टोरीज बट शी यूज्ड टू रियली लाइक अर्शी इन टर्म्स ऑफ द वे शी यूज्ड टू टॉक एंड शी वाज वेरी उसको बहुत हां एंटरटेनिंग लगता था सो या ऑनबोर्ड फिल्म्स बताएंगे आशीष शर्मा बस ये क्योंकि बैरल के अंदर है और अरे हैप्पी बर्थडे आई थिंक सुयश का हमेशा एक फोटे रहा है कि वो रोमांटिक गाने बहुत अच्छे गाता है अभी पेपर वाइया भी यहीं रिलीज़ हुआ था एंड आई एम श्योर कि अभी उसका एक और सिंगल आ रहा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा बट दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक तो यहाँ पर बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा धमाल होने वाला है तो आई एम श्योर वो एंटरटेन करेगा और हम रोमांटिक गाने सुनने के लिए ज़रूर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन ये गाने हम रोज़ सुनते हैं और हम लिटरली मतलब ऐसा होता है कि बस बेबी बस गाना बंद कर हमें पता है तो बहुत अच्छा गाता है बट प्लीज़ बस बट नो एक्चुअली आई एम वेरी वेरी हैप्पी जोक्स अपार्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो ही इज टेकिंग इट सो सीरियसली एंड वो एक्चुअली इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है तो बहुत मेहनत कर रहा है लड़का एंड आई रियली होप कि इसी तरह वो करता रहे मेहनत एंड इट शोज़ सो नहीं आई थिंक जहाँ से उसने स्टार्ट किया है एंड फ्रॉम वेयर ही इज रीच राइट नाउ आई थिंक ही इज डूइंग 3 to 4 शोज इन अ मंथ एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड इम्प्रूवमेंट फॉर एनीबडी एंड सिंगिंग उसका हमेशा से पैशन और ड्रीम रहा है और अपने पैशन और ड्रीम्स को परस्यू करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ He is his wife. Please meet Suyash Rai's new wife. क्योंकि ये उनके बारे में जितना अच्छा बोलते हैं मैं नहीं बोल सकती सच है हाँ इन्होंने उसको किक दिया था बेसिकली और इन्होंने मुझे किक दिया था कि तुमने उसको किक क्यों दिया है लेकिन इस किक से ये किक जो हो रहा है वो कोई नहीं वो हाँ वो बहुत अच्छा किक था सो थैंक यू आशु थैंक यू